नमस्कार, पत्रिका की ओर से मैं राजीव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। लड़ाई के बाद लड़ाई कॉलम में आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्याशियों से जिन्होंने चुनाव में मैदान में उतरे और टक्कर दी, चुनाव लड़ा, लेकिन इस लड़ाई के बाद भी आगे अभी लड़ाई जारी है जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता 11 दिसंबर तक। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बीच प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं अपनी जीत को लेकर। उन्होंने जो कैंपेनिंग की, जो जनता के बीच वो गए, क्या महसूस किया, इस पे हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हैं बेलतरा क्षेत्र से जकांच के प्रत्याशी श्री अनिल टाह जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। उन्होंने काफी दमखम से चुनाव लड़ा, जनता के बीच लगातार संपर्क, 5 साल लगातार संपर्क में रहे वो, और उन्होंने एक जो चुनावी माहौल बनाया, तो उस दौरान उन्होंने क्या महसूस किया और वो क्या सोचते हैं अब चुनाव होने के बाद। तो मैं उनसे पहला सवाल कर रहा हूँ कि आपके दावे क्या हैं, आपको क्या लगता है कितने वोट से जीत पाएंगे आप? बेलतरा के जनमानस ने जिस प्रकार का मुझे प्यार, साथ और विश्वास दिया, मुझे आशा ही विश्वास है कि मेरी बेलतरा से जो मुझे वो मौका जरूर देगी ताकि मैं बेलतरा का विकास कर सकूं। अगर जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बेलतरा? निश्चित सबसे पहले बेलतरा की जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिस नाम से वो विधानसभा है बेलतरा, सबसे पहले मैं वहाँ कम से कम एक तहसील ऑफिस शुरू कराऊंगा, उसके बाद वहाँ कम से कम पुलिस का स्टेशन एक शुरू होगा, वहाँ एक कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी और उसको कम से कम इस लायक बनाया जाएगा कि जिसके नाम से विधानसभा है उस विधानसभा में बहुत से अलग तरह के लोग, बिल्कुल विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है उस विकास की धारा में, जो रूटीन विकास है, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, चाहे वह क्या बोलते हैं पानी की व्यवस्था, वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक क्षेत्र ऐसा भी है फदाकार जो ना वन ग्राम में है, न राजस्व ग्राम में है और न ही क्या बोलते हैं नगर निगम में, तो कम से कम प्राथमिकता के आधार पर मैं उसे सबसे पहले तय कराऊंगा ताकि उसे राजस्व ग्राम बना सकूं, ताकि वहां के लोगों के व्यवस्थित उचित व्यवस्था हो सके। माइक्रो लेवल पे क्या करेंगे एक अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो लगातार जिसे कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता? मैंने देखा वहां पर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग रहते हैं, मंजूर पहरी से लोग, वो लोग अभी काफी पिछड़े हुए नजर आते हैं। मैंने देखा कि वहाँ जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ, जिसमें कि मैंने कुछ लोगों को मेहनत करके लिमतरा और लिम्हा के लोगों को दिलाया मुआवजा, कम से कम 100 अभी मेरे ऐसे किसान हैं जहाँ उनको जमीन का अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिल पाया पिछले 8-10 वर्षों से जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो इसलिए मुझे आशा विश्वास है कि हम लोग वहाँ जकांच की सरकार बनेगी और हम सब लोग उन किसानों से लेकर जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति रहता है हमारा, जो एक आदिवासी क्षेत्र के, उसकी हम मदद करना चाहेंगे जी। बिग आईडिया आपका क्या रहेगा, क्या एक ऐसी सोच जो क्षेत्र का की तस्वीर बदलने में सहायक होगी, क्या इसके बारे में आपका सोचते हैं? मैंने इसकी सबसे पहले शुरुआत की कि जिस प्रकार मैं देखता हूँ, मेरी कल्पना और परिकल्पना में है, जिस प्रकार जब मैं रायपुर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मोर रायपुर लिखा होता है, जब मैं बिलासपुर आता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बिलासपुर की कल्पना है स्मार्ट सिटी की। मैंने भी अपने बेलतरा का नाम रख दिया है अपन बेलतरा और अपन बेलतरा की स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश भी ले रहे हैं। अनिल टाह जी ने जैसा बताया, लगातार वो चुनाव के पहले जूझ रहे थे, चुनाव के दौरान जूझते रहे और अभी भी उनके मन में जो काम करने की उनकी परिकल्पना है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो इसे साकार करने में सफल होंगे। हम उन शुभकामनाएं देते हैं उनको। धन्यवाद। नमस्कार।